अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट। एंड आई नो कि आपने इस वेबसाइट के बारे में पहले से सुन रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, इवन मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पर्सनल में मुझे मैसेज किया कि श्याम भाई इस वेबसाइट का रिव्यू करें एंड बताएं कि ये वेबसाइट कैसी है, अगर हम इसको एडसेंस के लिए यूज़ करें या फिर हम इसको एडसेंस अप्रूवल के लिए यूज़ करें। तो आज हम उस साइट का रिव्यू करने वाले हैं कि क्या ये वेबसाइट आप सभी के लिए बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, समझेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो मैं आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे अगर आपने ये दो वाली वीडियोज़ नहीं देखी, ये जो दो वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं, आपने इन वीडियोज़ को वॉच कर लेना है और यहाँ पर जो है इनमें जो भी मैंने बताया है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको फॉलो करना है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो सारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, साथ में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, तो आप इन सभी को भी वॉच कर सकते हैं जो आपके काम की हो। सो आज इस वीडियो के अंदर जिस वेबसाइट की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है 10K Hits। मे बी इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी होगी जो कि बहुत पहले होगी, लेकिन उसमें जो चीज़ थी वो इस वीडियो में नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको हटके बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इसका रिव्यू करेंगे, इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। अब करना क्या है गाइस, यहाँ पे ये वेबसाइट क्या करती है, आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला के देती है। अगर इस वेबसाइट की जो जिस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, अगर इसी वेबसाइट की हम बात करें कि इस वेबसाइट के ऊपर इसकी खुद की ट्रैफिक कितनी आ रही है, तो अगर यहाँ हम सिमिलर वेबसाइट को ओपन करके देखें तो मे बी इसका हमें रिजल्ट शो हो जाए। अगर इसके ऊपर ट्रैफिक होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 132,000 यहाँ पे जो है ऑल राउंड इसके ऊपर जो है वो ऑल ओवर ट्रैफिक आ रही है। और ट्रैफिक आ कहाँ से रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है, इंडिया से आ रही है, अर्जेंटीना से आ रही है, उसके बाद ये नीदरलैंड और मोरक्को वगैरह से जो है यहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को मिल रही है। अब जो मेरा अकाउंट टाइप है वो बेसिक है, बेसिक से मुराद ये है कि मैंने प्रीमियम नहीं बाय किया हुआ। आप बिजनेस वाला भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप प्रो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, $10 लगते हैं, आपको जो है यहाँ पे आपकी जो हिट्स है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है मैं आपको बिल्कुल भी जो है वो रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप इसका पेड वर्जन बाय करें। मैं यहाँ पे जो सिंपली आपको दिखाने वाला हूँ एक ऑप्शन यहाँ पे है सर्फ नाउ का। अब अगर सर्फ नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड सर्फ नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको जो है वो चेकिंग योर ब्राउजर बिफोर एक्सिंग 10K Hits.com, तो हमारा जो ब्राउजर है वो चेक हो रहा है एंड दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली योर ब्राउजर भी रीडायरेक्ट योर रिक्वेस्ट कंटेंट शॉर्टली। ठीक है, तो इसने हमारा जो ब्राउजर है वो चेक कर लिया, कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट बिफोर प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे जो मैंने अकाउंट बनाया उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो जब आप साइन अप करेंगे तो कुछ इस तरह की मेल जो है वो आपको रिसीव होगी। सिंपली आपने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वेलकम टू, यहाँ पे ये जो है हमें बता रहा है सारा कुछ, न्यू मेल आ जाएगी। अब क्या करते हैं, हम दोबारा सर्फ नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस वाले सेक्शन के ऊपर लेके आ जाएगा। अब कह रहे हैं आप अगर 18 ईयर ओल्ड है तो आप ये सिलेक्ट करें, आई वुड रेदर बाय ट्रैफिक पॉइंट्स, तो मैं इसको क्या करता हूँ आई एक्सेप्ट एंड आई एम 18 ईयर ओल्ड, जिसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सर्फ नाउ का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आपने सिंपली क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको एड्स शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें आपको एड्स शो होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब ये तो हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये रनिंग आ रहा है, इसका टाइम आता है, फिर हमें जो है वो डेली के पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आईपी एड्रेस आ रहा है, तो पॉइंट्स को क्या करते हैं हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आप सर्फिंग करके अपनी पॉइंट्स अर्न करके अपनी वेबसाइट को जो है प्रमोट करेंगे। अब प्रमोट किस तरह से करेंगे, वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ऐड साइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, आपने इन सब को एग्री कर लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपके सामने इसको एग्री करके प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे जो है ये हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब करना क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपको अपना यूआरएल देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जिस वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके जानी होती है उसका यूआरएल देना है। उसके बाद विजिट ड्यूरेशन कह रहा है कितने सेकंड, तो अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड जो है वो यूज़र जो है वो स्टे करे।
10 सेकंड के हिसाब से आपका एक पॉइंट कट होता है, 20 सेकंड आपके दो पॉइंट कट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 30 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरे 3 पॉइंट पर विजिटर पे कट होंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम हिट्स पर आवर, एक घंटे के अंदर आपको कितने हिट्स मिलने चाहिए, यानी आपके कितने व्यूज़ आने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो इसका डिफ़ॉल्ट है मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको हिट्स लिमिट का कह रहा है, ये भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट स्क्रीनिंग का कह रहा है, तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, द कंटेंट ऑन दिस पेज इज सेफ वर्क फॉर वर्क, ठीक है। और इसको आप ये अपनी मर्जी से डिसलाइक और लाइक वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिंपली ऐड साइड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है मैं एक कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दे दिया और उसके बाद यहाँ पे जो है आगे .com लगा देता हूँ और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये ऐड होती है नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट वीडियो के लिए आपको समझाना चाहे। तो मैं इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको अभी से यहाँ पे पॉज कर सकते हैं या फिर इसको रिज्यूम वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा कि कितने हिट्स जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर चले गए हैं, कितने नहीं चले गए और क्या सारा सीन है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो कहते हैं कि ये जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो एडसेंस के लिए सेफ़ है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको एडसेंस के लिए यूज़ करें। ये जो ट्रैफिक है वो एडसेंस के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो आपका जो एडसेंस है वो बैन हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ कि इस ट्रैफिक से आपका एडसेंस अप्रूवल होगा या फिर नहीं, तो गाइस यस, इस ट्रैफिक से आपका एडसेंस का जो अप्रूवल है वो 100% आपको मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक होती है वो डायरेक्ट होती है, ऑर्गेनिक नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट जाती है। ट्रैफिक 100% बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई बोट वगैरह वाली और वो सी नहीं है, बट ये आपकी जो है वो डायरेक्ट जाती है, ऑर्गेनिक नहीं जाती। इसमें क्या रहता है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है अगर आपके वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक जा रही है, यानी दिन के 5 विजिटर जा रहे हैं ऑर्गेनिकली, 10 विजिटर जा रहे हैं, वहीं पे आप ये ट्रैफिक दे के अपने एडसेंस की रिक्वायरमेंट्स चाहे उनको पूरा कर सकते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपके जो एडसेंस है, आपकी जो न्यू वेबसाइट है उस पे डेली के तकरीबन 100-200 तक जो है यहाँ पे ट्रैफिक जानी लाजमी है, फिर आपको एडसेंस अप्रूवल में इतना इशू नहीं आता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।